हेलो गाइस, वेलकम टू स्पेशल एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक और इंपॉर्टेंट भर्ती लेके आया हूँ। ये जो आप लोगों की वैकेंसी निकली है, आपकी पोस्ट ऑफिस में वैकेंसी निकली है, ठीक है? तो फटाफट बात करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन, कितनी एज लिमिट, कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को पोस्ट बता देता हूँ कि कौन कौन सी पोस्ट निकली। तो आप यहाँ पर देख सकते हो जो आपकी पोस्ट निकली है। एक तो आपकी निकली है BPM, मतलब ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट है। दूसरी आपकी है डाक सेवक की पोस्ट। ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट में आपको 12,000 रुपये सैलरी मिलेगी, ठीक है? और डाक सेवक की पोस्ट में आपको 10,000 रुपये सैलरी मिलेगी। इसके अलावा एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज लिमिट 18 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए। और जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो 23 मार्च 2020 के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होगी। और यहाँ पे एज वाइज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है कैटेगरी वाइज। अब बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। सो जिस भी कैंडिडेट्स ने 10वीं पास कर रखी हुई है विद पासिंग मार्क्स इन इंग्लिश और मैथमेटिक्स, वो सारे कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं इसकी पोस्ट के लिए। इसके अलावा इन्होंने बोला कि अगर आप किसी ऐसे एरिया के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए। मतलब अगर आप आंध्र प्रदेश के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको तेलुगु आनी चाहिए। अगर मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है, तो आपको हिंदी आनी चाहिए। तो अगर पंजाब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको पंजाबी आनी चाहिए, ठीक है? तो इन्होंने अलग अलग स्टेट वाइज अलग अलग लैंग्वेज वाइज दी हुई है। सो आप जिस भी सर्कल के लिए अप्लाई कर रहे हो उस सर्कल के हिसाब से लैंग्वेज देख के आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, EWS कैटेगरी और OBC कैटेगरी के लिए दोस्तों 100 रुपये फ़ीस है। और बाकी जितनी भी कैटेगरीज बची है उनकी कोई फ़ीस नहीं है अप्लाई करने की। और टोटल पोस्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दी, 3951 है पोस्ट। और लास्ट डेट अप्लाई करने की आई थिंक 24 अप्रैल 2020 है, ठीक है? 23 या 24 अप्रैल 2020 है। सो ये था पूरा नोटिफिकेशन और टोटल पोस्ट आपको पता है, मैंने थंबनेल में भी लिखा था। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से डाउनलोड करके डिटेल में पढ़ के फिर अप्लाई कर सकते हो।